नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महिंद्रा बोलेरो न्यू जनरेशन के बारे में। महिंद्रा अपनी बोलेरो के न्यू जनरेशन को जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है और हाल में इसके टेस्टिंग मॉडल को भी इंडिया के अंदर टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको महिंद्रा बोलेरो के न्यू जनरेशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मैंने पहले भी महिंद्रा बोलेरो न्यू पर दो वीडियोस बनाए हैं, लेकिन कुछ बंदे जो है वो कमेंट करके बोलते हैं कि ये तो फेक न्यूज़ है, पूरा वीडियो देखते ही नहीं और बोलने लग जाते हैं कि ये तो TU3W है, आप तो फेक न्यूज़ बता रहे हैं। तो सबसे पहले उनको बता दूं कि जो महिंद्रा बोलेरो न्यू है, यानी कि जो महिंद्रा बोलेरो का न्यू जनरेशन है, उसे महिंद्रा बोलेरो न्यू नाम से लॉन्च करेगी। और ये जो महिंद्रा बोलेरो न्यू है, ये TU3W को ही महिंद्रा अपनी बोलेरो न्यू नाम से दोबारा से इंडिया के अंदर लॉन्च करेगी। एक बार आपको दोबारा बता दूं कि महिंद्रा अपनी TU3W के अपडेटेड यानी कि इसके फैसलिप मॉडल को ही इंडिया के अंदर बोलेरो नियो के नाम से लॉन्च करने वाली है, क्योंकि महिंद्रा ने अपनी TU3W को BS6 के अनुसार अपग्रेड नहीं होने के कारण 2020 के अंदर इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब कंपनी इसे दोबारा से अपग्रेड करके इसे दोबारा से इंडिया के अंदर बोलेरो नियो नाम से लॉन्च करने वाली है। इसका सबसे बड़ा जो कारण यह है कि जो TU3W है उसकी सेल जो है वो काफ़ी कम होती थी, लेकिन जो महिंद्रा की जो बोलेरो है, यानी कि बोलेरो सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV है महिंद्रा की, और ये जो बोलेरो है वो काफ़ी पॉपुलर नाम भी बन चुका है महिंद्रा के लिए। इसी के लिए महिंद्रा अपनी बोलेरो के नेम की ब्रांड को, यानी कि बोलेरो नेम की लोकप्रियता को ही भुनाने के लिए अपनी TU3W को बोलेरो न्यू नाम से लॉन्च करेगी, ताकि इसकी सेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, या फिर इसकी सेल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोलेरो न्यू नाम से लॉन्च करेगी। इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि जो महिंद्रा की जो बोलेरो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV तो है, लेकिन ये खास करके ये जो है वो रूरल एरियाज के अंदर ज़्यादा बिकती है। जो सिटी कस्टमर्स है वो बोलेरो को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास फीचर्स भी नहीं मिलते और ना ही इसके अंदर कुछ ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है और ना ही इसका इंटीरियर कुछ ज़्यादा खास है। अब इसी को देखते हुए महिंद्रा अपनी इस TU3W को अपग्रेड करके इसके फ्रंट में आपको महिंद्रा की अल्ट्रा जी फोर्स इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, साथ इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRS और इसके फ्रंट में आपको फॉग लैम्प यूनिट देखने को मिलेगी। साथ इसके अंदर आपको SUV स्टाइल की स्किल प्लेट फ्रंट एंड रियर में देखने को मिलने वाली है, जो कि रेगुलर बोलेरो के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा महिंद्रा अपनी TU3W के इंटीरियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस करेगी। हालांकि इसका इंटीरियर डिजाइन तो सेम रहेगा, इसके अंदर आपको ब्राउन एंड बीच कलर का ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। महिंद्रा बोलेरो नियो के इंटीरियर में आपको रेगुलर महिंद्रा बोलेरो से ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज एंड ऑडियो कंट्रोल्स, ऑल पावर विंडोज और इसके साथ ही रियर AC वेंट जैसे शानदार फीचर्स इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको देखने को मिलेंगे। साथ इसके अंदर आपको काफ़ी, यानी कि इसकी पावर के लिए इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का M-HOG डीजल इंजन देखने को मिलेगा। नहीं, महिंद्रा बोलेरो नियो के अंदर भी आपको पेट्रोल इंजन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल कार ड्राइव को सब्सक्राइब जरूर करें।